मनुष्य का मन पदार्थों से नहीं भरता। कितने भी पदार्थ प्राप्त होते रहे, कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त होता गया, अरे संपत्ति की क्या बात करते हैं, राजपद प्राप्त हो गया, विश्व का साम्राज्य पद प्राप्त हो गया, तब भी मन अशांत रहता है। समथिंग इज मिसिंग, तृप्त नहीं होता। हर व्यक्ति को ऐसे ही लगता है, ये तो हो गया जी, लेकिन और वो कुछ चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। नहीं, कल्पना करो, कल्पना करो, अभी हम लोगों ने सुना जहां भागवत की कथा होती है वहां साक्षात भगवान पधारते हैं कृपा बरसाने के लिए। तो चलो आज रात्रि के समय आप अपने कमरे में हैं या गंगा जी के घाट पर अकेले बैठे हैं और एकदम तिरुपति से वेंकटेश भगवान आकर के आपके सामने खड़े हो गए कि वारे लाला जी, इतने दूर से आकर के आप यहां पर गंगा जी के तट पर भागवत जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए बोलो। नहीं नहीं बोलो, क्या चाहिए आपको, मैं देने के लिए आया हूं ना, बोलो। कोई है ऐसा माई का लाल जो ये कह दे खड़े होकर के कि मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए? झूठ बोलेंगे तो वैसा ही हो जाएगा, ध्यान रखना, सब भगवान निकाल लेंगे। भगवान का स्वयं का वाक्य ही है, तद धरामि धनं च रहि, जो करे मारी आस ताको करूं सत्यानाश। भगवान पहले कृपा करते तो यही गड़बड़ करते हैं। और सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी हमें कुछ तो चाहिए ही, ये चाहिए वो चाहिए, वो कुछ तो कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देखो मेहमान का पेट भर गया, ये बात हम कब जानते हैं, जब मेहमान ने लेना बंद कर दिया। हम आमरस परोसते ही रहे परोसते ही रहे, अरे बस हो गया ना भाई, अब नहीं चाहिए ना, जब मेहमान चिल्ला करके कहता बिल्कुल नहीं चाहिए जी नहीं चाहिए, समझ जाते कि इनका पेट भर गया। उसी प्रकार जब भगवान से भी आप मांगना बंद कर देंगे ना, ना ना भगवान देना चाहे तो भी लेना बंद कर देंगे ना, तब समझ सकते हैं कि आपका मन भी भर गया।